ऐसे ऐसे करते कीड़े से बात कर रही हो कीड़े को नमस्ते राधे राधे बोले वो बेचारा मर जाएगा इसके हाथ लगाते वो नहीं होते जीरे जैसे जो कीड़े होते जीरे के साइज के उनसे बोल रही है और अगर इसने हाथ भी लगाया ना तो वो मर जाएगा इसकी नमस्ते राधे राधे ऐसी हो जाएगी अब दिया जला मैं जलाती हूँ देखो ये अब लगा दिया हाथ मेरी ना आँख पे अंजली नहीं होती ना वो दाना से होता है वो निकलता है पलकों पे वो निकलने वाला है वो दुख कर रहा है यार दिए में से दिया नहीं जलाते पिछली बार बताया था हमें दिए में से दिया नहीं जलाते टेक जाओ मर्जी लगा जाओगे सोल क्या एक प्लेट या वो ले लो आप ले जाए जाओ मैं चला जाओ आपके पीछे ट्रेन लो जल मत जाना अब भी हैप्पी दिवाली अगेन सबको हमारा मन था कि हम जो है आज थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बनाया ना नहीं अच्छा लगता है हमारी फैमिली आप हम लोग के साथ जुड़ते हो ना बहुत अच्छा लगता है हाथ मत जलवा ले मैं नहीं कह रही हूं मैंने तो जलवा लिया मां जी की तिलक दी बस पांच दिए रख दो अभी एक और रख दो रख दो पांच क्या करूं मैं ओके बस बालकनी में रखना पूजा वाले में भी दोनों कोने में रखना ठीक है ना कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए बहुत है दिए भी बहुत है मोमबत्ती भी बहुत है आज के दिन कभी अंधेरा नहीं रखते हैं हटो रूम की बालकनी में कह रही थी मैं आपसे मम्मी तोड़ दियो जोत के दिए मैं मम्मी वो कोने में जगह है ना उसमें भी एक दिया मैं उस बालकनी में लग के आऊं मैं रखेंगे आप खाना खाओ छोटे हाथों से नहीं खा करते हाँ तो अपने बर्तन सिंक में डालो हाथ धो पानी ये तो इसमें तो सब बचा हुआ है फिनिश कर दो वो वाले मत करो जो कम है जिम्मे वो फिनिश करो ठीक है वो तो करो बेटा किसे मार रही है हथौड़ी से एक ये पंपम को अच्छा ठीक है मुझे लगा कभी कीड़े मजा रही हो हथौड़ा हाथ में मत लगा ना बालकनी में जला दो उस वाली बालकनी पे जला है अंधेरा नहीं होना चाहिए उसकी लाइट भी चला दो बालकनी की रवन बैठ के नीचे भी अंधेरा था डायरेक्ट दर्शन करेंगे हम डायरेक्ट लक्ष्मी जी के पास ही पहुंच जाएंगे बच्चों के रूम में जला देते मम्मी मैं अपनी एक फुलझड़ी जला के देखूं जरूर देखना एक बार दिए लगा लेते हैं पहले ये बालकनी में लग गया है आपका हाथ जल जाएगा अब क्यों रखा मैं क्यों उधर भी रखो कोने में इधर भी रखो मैं कह रही हूँ रख तो दिए क्यों नहीं रख रहे आप मैं तब तक पॉम पॉम जब दिए रखने में बुला ले आप प्लेट लेके आओ हाथ में कोई दोगे दिए बेटा चल जाओगे कोई बात नहीं ले आओ फिर जला दो बेटा आप रखो तो नीचे करो ट्रे नीचे करो फिर ले आइए बता नीचे जो भी उसको ले आना मैं फिर जला दूंगी बच्चों के रूम में बाथरूम में हर जगह रख दो कहीं पर भी अंधेरा मत छोड़ो बालकनी में ज्यादा लगा बालकनी लाइट ऑन कर दो ना हाँ तो उस वाली बालकनी पे भी थोड़े एक्स्ट्रा लगाओ देखो मैंने छह रखे हैं लो ये दिया भी लेके जाओ मुझे दो मुझे मुझे रुको आप गेट के बाहर लगा दो जला के दो देखो एक इस तरफ और एक उस तरफ
दो लगाने। हाँ दो, एक वहाँ कोने में देखो उस वाले कोने में, एक इस वाले कोने में, एक इस वाले कोने में। नहीं 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 तो? सामने 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 सीढ़ियों की तरफ, सीढ़ियों की तरफ एक उधर कोने में, हाँ और एक इधर, दो रखने। बेटा ये प्लेट आप गलत लेके आए, इसमें नाच जल जाएगा। ले जाओ, हाथ नहीं जलेगा प्लेट भी जलेगी। मम्मी वापस ले लो, मुझे डर। नहीं डरो मत, जाओ अब दिए लगा दो, कोई बात नहीं, मत डरो, दिया तो ठंडा होता है, वो नीचे से गर्म नहीं होता। रोबिन लगाया है आप? रोबिन लगा दिए? किचन में भी रख दो, बच गए तो। वो देखो अंधेरा है उधर, एक चावलों के डिब्बे के पास रख दो, एक इधर रख दो, एक हाँ एक उसमें रख दो अंदर पटरी के पास कोने में जहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर के पास मत रख लेना। ओके बेटा, अच्छा ठीक, लड्डू पॉम पॉम फोड़ रही है थोड़े से। बाथरूम में रख दिए? बालकनी में रख दिया, अब फ्रिज की तरफ और इधर अलमारी का जो मैं एक दिया यहाँ। हाँ बेटा बोल दिया, जाओ बेटा, बच्चों के रूम में किधर अंधेरा तो नहीं है, बालकनी में रख देते और दिए दिए से दिया नहीं पूछते लाते। हाँ जी बालकनी में ज्यादा रख देंगे। हाँ और ऊपर छत पे जा रहे हो? तुलसी जी के पास एक दिया जला, दीदी का जा, तुलसी जी के पास एक जला के आना है। आप इतने सारे क्यों ले जा रहे हो? और बालकनी में गया देखिए, मैं तो इसी वाली में रख देते हैं, और जो जो कुछ गया उसके लिए ये लो। ले कन्नू एक बार इधर आ, इधर आ बेटा, पम पम खत्म, लड्डू पम पम ले रहे हो? बहुत क्यूट लग रही है ये रेड कलर की। रोबिन मैं बहुत मोटी लग रही हूँ? हाँ पे यहाँ पे लगाना हूँ। नहीं नहीं इसका कपड़ा ऐसा है, मैं मोटी नहीं हूँ इतनी ज्यादा, मेरी टमी तो बाहर बिल्कुल भी नहीं है। लो पन्नू लो, शर्म आ रही है। कन्नू ने फुलझड़ी जला दी। लड्डू देखो दीदी ने फुलझड़ी जला दी, जाके देखो। ये ब्लॉग नॉर्मल डेली ब्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग दूसरे चैनल पे जाएगा। हटो, इसी में खोल लेती हूँ, इसी में मिक्स करा था मैंने पहले वाला पेट्रोल। बेटा मुझे मेजर ठंडे दिमाग से काम करने दो, आपको कुछ चाहिए? नहीं ना बेटा, आप जा, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं फिर कुछ भूल जाऊंगी। शरारत कर रही अपने पापा के साथ।
देखने में सबको ऐसा लगता है कनिका कुछ नहीं करती। अरे मान जा कन्नू, कन्नू मान जा, ऐसे नहीं करते। कनिका बेटू छुटकी को देखो, मेरे बिना मेरे लिए चुप्पी लेके आए हैं। चुप्पी नहीं खरीदी इन्होंने कभी। धीरे धीरे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं मेरे हस्बैंड मेरे लिए। बेटा वो अंजनी आ रही है। इधर आ कनिका, बालकनी के गेट खोल दो एक बार। बालकनी के बेटा, एक ही तो गेट है बालकनी के, उसको बाहर जाना है वहां से। हंसी की बात तो मैं से दबी नहीं रही।
आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ ब्लैक थिन वाला सेलेस्टोन और ये क्रंची वाला, मतलब ये क्रंची निकलेगा पर ये वो वाला क्रंची नहीं है। जो मेरे पास एक और थिन सेलेस्टोन है उसके ऊपर बकायदा यहाँ पे लेयर जमी हुई है जो कि क्रंची, इतनी क्रंची, इतनी क्रंची है, बहुत क्रंची है। उसमें बड़ी बाइट भी नहीं आती, छोटा छोटा कट करती हूँ पर क्रंची एकदम, उसको क्रंची ब्लास्ट कह सकते हैं, मतलब मुँह में जैसे ब्लास्ट होना वैसे। ये ऐसा है, ये सॉफ्ट क्रंची है, सॉफ्ट क्रंची कह सकते हैं इसको। इसको अगर मैं वेट कर लूँ तो इतनी अच्छी बाइट आती है पर साउंड आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप वीडियो का साउंड एंजॉय कीजिए। है ना, देख लो साउंड तो नहीं आ रहा, ये सॉफ्ट है उसके मुकाबले, वो ज़्यादा क्रंची है। ऊपर वाली लेयर, इसमें दो लेयर है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इसमें दो लेयर है, एक ये ऊपर वाली, ये देखो ये अलग है, नीचे वाली जो है ये अलग है, और नीचे वाली क्या है, क्रंची है, ऊपर वाली सॉफ्ट है। ये देखो और क्लोज से देखो, देखो दिख रही हैं दो लेयर, एक ऊपर एक नीचे। टेस्ट वाइज
आज बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम आ रही होगी आप लोगों को। मैं रूम के अंदर बैठ के वीडियो बना रही हूँ और नाइट के वक्त बना रही हूँ, इसलिए मैं रूम के अंदर हूँ। अगर मैं दिन में बना रही होती तो मैं बाहर बैठ के ही बनाती हूँ। मुझे लगा था ये सॉफ्ट वाला है। डन, बहुत क्रंची था, अच्छा था, बट पता है मेरी जो उम्मीदें थी, मैं इसको सॉफ्ट लेके समझ के बैठी थी। आपने स्टार्टिंग में जो मेरा रिव्यू देखा होगा, मैं सॉफ्ट इसलिए लेना चाहती थी, मेरा मन था मतलब थोड़ा सा बड़ी बाइट आ जाए प्रॉपर। जो एक क्रंची सेलेस्टोन होता है ना, मैं प्रॉपर बाइट नहीं आती, या तो मैं इसको सेमी वेट कर लूँ, सेमी वेट आधा भीगा हुआ और अंदर से ड्राई रहे, या तो मैं वैसा कर लूँ, वरना फिर प्रॉपर बाइट नहीं आती। अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छा है, क्रंच वाइज भी मुझे कुछ मतलब गड़बड़ नहीं लगा, अच्छा था, नॉर्मल था। मैं खाने ही बैठी थी, मुझे मैंने क्रंच भी किया, बट प्रॉपर बाइट आ जाती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। फिर मैंने इसको चेंज करने भी नहीं, वो बड़ा वाला सेलेस्टोन है ना, उसमें प्रॉपर बाइट आ जाती है सेमी वेट करने के बाद में, पर फिर मैंने चेंज नहीं किया, फिर मैंने छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जब मैं खाने लग गई। अच्छा पता है इसका एक और टेस्ट मैं बताऊँ, कभी ना गाँव में हम लोगों ने तो किया है, मैं तो मुजफ्फरनगर की तरफ की हूँ, वहाँ पे अभी भी कल्चर में है, गीली मिट्टी को पानी में, पीली मिट्टी को पानी में भिगोते हैं और चूल्हे पे हारे पे पोता फेरते हैं हम लोग, हमारे उधर अभी भी गांव में होता है। तो उस मिट्टी को कभी अगर आप लोगों ने टेस्ट किया हो या उसमें कभी खुशबू सूंघी हो, जो पानी में भिगो के पुराने लोग दीवारों पर भी लगाया करते थे, और कई बार वो घर बनाने में भी पहले यूज़ हुआ करती थी, तो उस मिट्टी को पानी में भिगोते हैं ना, उसमें से जो खुशबू आती है, मैंने तो खाई भी है, तो मुझे जो टेक्सचर आया था, तो अगर वो टेक्सचर पसंद है ना, तो ब्लैक भी बहुत पसंद आएगा। ऐसा टेक्सचर है ब्लैक का, सेम टू सेम तो नहीं कहा जा सकता, बट 60-70% जो अर्दीनेस ब्लैक में से फील होती है वो वही वाली होती है, सीमेंट्री सी गीली मिट्टी जैसे वो वाली अर्दीनेस, वैसा बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। ब्लैक का भी बहुत अच्छा टेस्ट है, बट पर्सनली मेरा फेवरेट वाइट है, बट ब्लैक भी बहुत अच्छा है। सो डन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। नमस्ते सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्रंच वीडियो में, बाय बाय।